एक होती है प्राकृतिक आपदा जिसमें मानव का वश नहीं चलता और एक होती है मानव निर्मित आपदा जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इंसान विकास की भूख में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो खुलेआम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। हिमाचल में आई तबाही किस तरह से मैनमेड डिजास्टर है आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे देवभूमि अब कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है जिसकी वजह से प्रकृति अपनी विनाश की तरफ बढ़ रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई हुई है, घर ताश के पत्तों के जैसे गिर रहे हैं। नदियों में सैलाब आया हुआ है, पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हो रही है। हजारों की संख्या में घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे हम प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा भी मानव निर्मित है। यानी इस आपदा में हुई तबाही के लिए हिमाचल प्रदेश का सिस्टम और सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही वो सैलानी भी जिम्मेदार है जो देवभूमि हिमाचल को सिर्फ पर्यटन स्थल समझते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि प्रदेश में इतनी भयानक तबाही कैसे आई, कैसे इतना डरावना मंजर देखा गया और क्या नियमों की ताक पर रखते हुए अवैध कंस्ट्रक्शन किया गया या फिर नदियों नालों के करीब अवैध रूप से निर्माण या फिर खनन मुख्य कारण हो सकते हैं या फिर अवैध रूप से जो लगातार पहाड़ों का कटान विकास के नाम पर किया जा रहा है ये भी एक कारण हो सकता है जो कि जाँच के विषय हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से आती रही हैं। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया? आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? और ध्यान देने वाली बात यह कि सबसे ज्यादा नुकसान राजधानी शिमला में हुआ है, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब बेहद चिंता में डाल देने वाला है। इन दो तस्वीरों में समझिए आप कि आखिर कैसे देवभूमि कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होती जा रही है। एक तरफ आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो 1900 के दशक वाले शिमला की तस्वीर है जिसमें पेड़ों से लदे शिमला के पहाड़ देखे जा सकते हैं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और दूसरी तस्वीर आज के शिमला की है जिसमें पहाड़ों पर पेड़ों के बजाय इमारतें ही इमारतें नजर आ रही हैं। पहाड़ों के किनारे पर नियमों को ताक पर रखकर घर बनाए। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में साल 1904 तक सिर्फ 1400 घर थे, लेकिन साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शिमला में 46,306 घर हो चुके थे। जाहिर है अब संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। 1900 के दशक में शिमला की आबादी महज 30,000 हुआ करती थी और आज शिमला की आबादी 2.5 लाख से ज्यादा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर जो इमारतों का निर्माण है वो किया जा रहा है। इस वक्त हम कृष्णा नगर के पास में मौजूद हैं और ये शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से सटा हुआ सारा इलाका है जहाँ पर अगर 20 साल पहले की तस्वीर देखें तो यहाँ पर पेड़ और जो वनों का क्षेत्र है वो दिखाई देता था, लेकिन अब एनक्रोचमेंट और यहाँ पर जो इमारतें हैं वो लगातार बनाई जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से भी कुछ कड़े कदम इस पर नहीं उठाए गए हैं क्योंकि साल दर साल ये इमारतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और शिमला की खूबसूरती जिसे कहा जाता था कि पहाड़ों की रानी की खूबसूरती ऐसी है जिसे निहारने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इस खूबसूरती पर अब जो है वो दाग कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर साल अगर देखें तो कई मकान धराशायी होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो इस साल तस्वीरें देखी वो बेहद ही भयावह थी। बढ़ती आबादी, इमारतों के निर्माण ने शिमला को कितना बदला है इन दो तस्वीरों से मालूम चलता है। पेड़ और जंगल से घिरा शिमला अब कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुका है। नतीजा, अब प्रकृति भी अपना भयानक रूप दिखा रही है। और आज शिमला में जो आफत आई हुई है
उसी का नतीजा है कि वहाँ पर अंधाधुंध पेड़ काटे गए हैं। विकास के नाम पर विनाश का काम किया गया और हरी भरी शिमला की जगह सीमेंट से बनी इमारतें बन गई हैं। इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया कि शिमला में इतना ज्यादा निर्माण कर देना कितना खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि शिमला में 90% इमारतें पहाड़ पर 45 से 60 डिग्री की ढलान पर बनी हुई है। कई इमारतें तो 70 से 75 डिग्री की ढलान पर खड़ी कर दी गई है, जबकि वहां पर 45 डिग्री से ज्यादा की ढलान पर इमारतों का निर्माण की इजाजत नहीं है। शिमला भूकंप के खतरे के लिहाज से जोन 4 में आता है, जो हाई रिस्क कैटेगरी है। कुछ हिस्से भूकंप के खतरनाक जोन 5 में आते हैं। एक्सपर्ट आशंका जताते हैं कि शिमला में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। जो मेरे पीछे की आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये शिमला का सुंजौली का एरिया है, जहाँ पर आपको पहाड़ कहीं पर भी दूर दराज तक नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मकान है वो दिखाई देंगे। और इस बार मानसून के दौरान जो शिमला में एक भयानक तस्वीर देखी है, उसका एक नमूना आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ओवर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई है, ओवरलोड शिमला जो है इस वक्त हो चुका है। और अगर अभी बात करें तो कई मकान ऐसे हैं जिनमें दरारें चुकी हैं और कई मकान ऐसे हैं जो ध्वस्त होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट आशंका जताते हैं कि शिमला में कभी भी 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। एनजीटी की एक्सपर्ट कमेटी ने भी कहा था कि अगर शिमला में बड़ा भूकंप आया तो यहां पर 39% इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी और 20,500 से ज्यादा लोगों की मौत होगी। तो वही शिमला का 66% हिस्सा लैंडस्लाइड के हाई रिस्क जोन में आता है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा बात है लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में जितना भी बारिश हो, लैंडस्लाइड तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो लेवल में है। तो ये कहते हैं कि 15 डिग्री से 30 डिग्री के तक आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मगर शिमला में 60 डिग्री 70 डिग्री के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। तो वहाँ जो मिट्टी का वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ लैंडस्लाइड डेंजर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो हादसे का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है बारिश से लैंडस्लाइड। तो ये शिमला में बहुत ज़्यादा खतरा है। और अर्थक्वेक का तो मैं बोला कि कहा जाता है कि शिमला में एक छोटा भी अर्थक्वेक होगा तो एक पहला झटका में 20,000 से ऊपर लोग मारे जाएंगे। इसके बावजूद पहाड़ों पर इस तरह के निर्माण किए गए, ये शिमला में सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अंधाधुंध निर्माण किए गए। और ये इसलिए हुआ क्योंकि सरकार और सिस्टम ने शिमला के बारे में न सोचकर बिल्डर लॉबी का साथ निभाया, जिससे आने वाले दिनों में और तबाही दिख सकती है। अभी जो वेदर है सारे विश्व में, वेदर का बहुत बड़ा विपर्जय हो रहा है। तो इसलिए आज जो हालत देख रहे हैं, एक साल बाद उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी जो बारिश हो रहे हैं या फ्लड आ रहे हैं, एक साल बाद उससे डबल हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी जो है हमारा पर्यावरण ध्वंस हो रहे हैं, उससे हर किस्म के पर्यावरण के आधार पर हादसा आगे आ रहे हैं। इसलिए शिमला तो विपद सीमा पार हो चुका है, तो उस पर कंस्ट्रक्शन बंद करो और उस पर स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, रोकथाम लगाओ। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और इमारतों के ढहने की तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। सबसे ज्यादा नुकसान शिमला और मंडी जिले में हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोगों ने हमारा ध्यान इस समय आपदा से निपटने के लिए है, और हमने कल ही पिछले कल ही पूरे स्टेट में नेचुरल कैलोमिटी डिक्लेयर कर दी है पूरे प्रदेश को। और जो हमारे पास जो भी अपने संसाधन है, अभी तो हम उससे काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जो इसके अलावा हमें कोई स्पेशल पैकेज देश के प्रधानमंत्री भी देंगे और देश की सरकार भी देंगे। बादल फटने और भूस्खलन की करीब 200 घटनाएं हुई हैं, इनमें करीब 10,000 मकानों को नुकसान पहुँचा है। भारी बरसात और भूस्खलन की घटनाओं के कारण करीब 1,000 पेड़ उखड़ गए हैं। राज्य के 11 जिलों में करीब 1,000 सड़कों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है।
हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 113 घटनाएं लैंडस्लाइड की हो चुकी हैं, तो वहीं 58 के करीब फ्लैश फ्लड हो चुके हैं और इन घटनाओं में 338 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो 323 के करीब लोग अभी तक घायल हैं। 800 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस मानसून के दौरान हो चुका है और जो संभावित नुकसान है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बताया जा रहा है। पिछले कई दशकों में पर्यटन का केंद्र इस पहाड़ी राज्य ने विकास के मामले में मैदानी इलाकों की राह पर चलने की कोशिश की है। इसका नतीजा प्राकृतिक आपदाओं में दिख रहा है। चाहे कमजोर पहाड़ों में 4 लेन हाईवे निकालना हो या हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंगें खोदना हो, इससे पहाड़ और पत्थर तो हिलते हैं। भारी बेतरतीब और असुरक्षित निर्माण हर जगह हो रहा है और निर्माण का कचरा नदियों और उनकी शाखाओं तक पहुँच रहा है। इन सब ने मिलकर बरसात की तबाही को और बढ़ा दिया। मिट्टी के साथ इतना खेल किया है तो उसका जो भी उसका परिणाम है वो हमें अब भुगतना ही होगा और वही हम आज हिमाचल में देख रहे हैं और सारे उत्तराखंड में देख रहे हैं। अगर हम प्रकृति की सांसों को रोकेंगे तो प्रकृति तो अपना रूप दिखाएगी ही। भले इंसान प्रकृति के साथ जितना भी मर्जी खिलवाड़ करे, लेकिन जब प्रकृति को गुस्सा आता है तो वो अपना बदला जरूर ले लेती है, क्योंकि अनजाने में हुई भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझकर की गई गलतियों की माफी होती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हिमाचल में प्रकृति ने इंसानों को आईना दिखाया है। शिमला से समीक्षा राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट से।